संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोचकर द्वारा जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान को भारत की ओर से गुमराह करने वाला और पूर्वग्रह से ग्रस्त करार दिए जाने के कुछ दिन बाद संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य इस निकाय के प्रमुख की प्रवक्ता ने कहा है कि अफसोसजनक है कि उनका बयान संदर्भ से हटकर देखा गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स इस हफ्ते वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे समक्ष लॉयड जे ऑस्टिन और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से ईरान और क्षेत्र में स्थिरता के मुद्दे पर बात करेंगे। साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान बैंकों से ब्याज माफी करने वाले व्यापारी एक बार फिर कोर्ट पहुंचे। इस बार व्यापारी की लड़ाई प्राइवेट अस्पतालों से है। अस्पतालों के खिलाफ चश्मा व्यापारी ने एक याचिका दाखिल की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। व्यापारी का आरोप है कि कोरोना इलाज के लिए सरकार ने हर तरह से फीस पहले से तय कर दी है, बावजूद इसके अस्पताल वाले 40 से 50 गुना वसूल रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत वैक्सीनेशन की संख्या और न्यूनतम वेस्टेज की दृष्टि से राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश में अब तक 1,68,00,000 से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना वैक्सीन का 10% तक वेस्टेज अनुमत है। इसके मुकाबले राजस्थान में वैक्सीनेशन वेस्टेज 18 से 44 वर्ग में 0 और 45 से अधिक उम्र में 2% है। CBSE की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के बाद सरकार ने कहा कि बोर्ड रिजल्ट तैयार करने को लेकर पारदर्शी और निष्पक्ष तरीका अपनाएगा। बोर्ड इसकी जानकारी जल्द देगा। इस संबंध में CBSE की ओर से नोटिस जारी किया जा चुका है, जिसमें जल्दी छात्रों को पास करने का फॉर्मूला पेश किया जाएगा। हालांकि 10वीं की तरह 12वीं के छात्रों को भी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास किए जाने की संभावना है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के जैती क्षेत्र में पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है। दरअसल कोरोना वायरस की महामारी के कारण अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने का नियम लागू है। इस बीच अल्मोड़ा जिले के जैती क्षेत्र में घर के बरामदे में बैठे युवक ने मास्क नहीं पहनने पर पुलिस द्वारा मारपीट की गई। इस दौरान वहां मौजूद युवकों ने इस घटना का वीडियो बनाया, जो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के TTT फॉर्मूले से जहां उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में काफी हद तक कमी पाई गई है, वहीं मंगलवार को 3,32,000 टेस्ट के साथ यूपी 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है। दूसरे नंबर का प्रदेश सिर्फ 3,05,00,000 टेस्ट ही कर पाया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,500 नए केस सामने आए हैं, जबकि कुल सक्रिय केसों की संख्या 28,000 रह गई है। प्रदेश का रिकवरी रेट 97.1% पहुंच गया है। पहले कहा जा रहा था कि प्रदेश में 30,00,000 सक्रिय केस होंगे, लेकिन 30,000 से भी कम एक्टिव केस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना संक्रमण से 2,31,456 लोग उभरे हैं। इसको मिलाकर देश भर में अब तक 2,61,79,085 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इससे रिकवरी दर बढ़कर 92.48% हो गया है। कोरोना रिकवरी के साथ ही देश में कोरोना से सक्रिय मामले भी लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,01,875 एक्टिव केस कम हुए हैं। देश में फिलहाल 17,93,645 कोरोना सक्रिय मामले हैं। एक्टिव दर घटकर 6.34% हो गया है। KGF फेम सुपरस्टार यश ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के 3,000 से अधिक दिहाड़ी कर्मियों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने इन कर्मियों के लिए 1.5 करोड़ रुपए दान किए हैं। इन रुपयों से 3,000 कर्मियों के खाते में 5,000 रुपए की राशि यश की ओर से भेजी जाएगी। LPG कमर्शियल सिलेंडर के रेट 1 जून 2021 को बदल गए हैं। इसमें 122 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती हुई है। हालांकि बिना सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस फैसले से जनता ने राहत की सांस ली। यह कटौती आज से प्रभावी हो गई है। अब 19 किलो का सिलेंडर 1,475.50 में मिलेगा, जबकि इसके पहले इसकी कीमत 1,595.50 थी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR Times और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।